Okay, ji, great. So let's start, and people may join during our discussion. I'm Atikur Rahman, and I'm a part of PAC as a visiting faculty member for the last 4 or 5 years, taking courses of business management at CAF level and CFAP level. Currently, I am a student of PhD from Lam Johor. Apart from that, I'm also serving as a permanent faculty member in a public sector university, again in Lahore. CFAP की 3 attempts हो चुकी हैं, and since July 2016, when we prepared the students for the first attempt, which was in December 2016, I am taking this course at PAC. Over the course of time, over the 3 attempts, things have been refined to much extent. चीजें बहुत क्लियर हो गई हैं, बहुत कुछ क्लेरिफाई हो गया है इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनर्स अप्रोच टुवर्ड्स इवैल्यूएटिंग द स्टूडेंट, एग्जामिनर्स अप्रोच टुवर्ड्स दिस टेक्स्ट बुक. सो मेनी थिंग्स आर नाउ यू नो गेटिंग क्लियर एज द अटेम्प्ट्स आर पासिंग. So December 17 की जो अटेम्प्ट थी, दैट वॉज वन ऑफ द मोस्ट रिफाइंड अटेम्प्ट ऑफ दिस पेपर. ये वर्क था, ये एक सबसे रिफाइंड अटेम्प्ट थी इस सब्जेक्ट की. पहली जो 2 अटेम्प्ट थी, दोज वर क्वाइट इमेच्योर इन द सेंस कि उसमें एग्जामिनर को शायद खुद भी क्लियर नहीं था कि किस किस्म के क्वेश्चन पूछने हैं पेपर में. लेकिन दिसंबर 17 के अंदर एग्जामिनर का जो उसमें इंटेंट था और जो उसका स्टांस था क्वेश्चंस को पूछने का, दैट वाज वेरी मैच्योर. बहुत इफेक्टिवली डिफरेंट टॉपिक्स को टेस्ट किया गया पेपर में और बहुत थॉरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को इवैल्यूएट किया गया. तो दैट वाज समथिंग पॉजिटिव फ्रॉम द पार्ट ऑफ द एग्जामिनर. ठीक है, और ये आप लोगों के लिए एक किस्म की अपॉर्चुनिटी भी है और चैलेंज भी है. अपॉर्चुनिटी इस सेंस में है कि यू विल डेफिनेटली बी लर्निंग अ लॉट, और चैलेंज इस सेंस में है कि आने वाले जो एग्जामिनेशन हैं, दे आर गोइंग टू बी मोर ट्रिकी, दे आर गोइंग टू बी मोर इन डेप्थ, दे आर गोइंग टू बी मोर कंसेप्चुअल. ठीक है, सो बिजनेस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटजी इज आर सब्जेक्ट. दिस इज द थर्ड मॉड्यूल इन योर सीफैप लेवल. आपके सीफैप लेवल का ये 3रा पेपर है, और इस एग्जामिनेशन के अंदर, इस पेपर के अंदर हम बेसिकली बिजनेस मैनेजमेंट के डिफरेंट एरियाज को डिस्कस करेंगे. राइटली स्टार्टिंग फ्रॉम द वर्ड स्ट्रेटजी, हम स्ट्रेटजी से स्टार्ट करेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ बिजनेस वर्क अराउंड डिफाइनिंग अ स्ट्रेटजी, देन डिटर्मिनिंग वट स्ट्रेटजी दे शुड ऑप्ट फॉर, एंड देन इम्प्लीमेंटिंग द स्ट्रेटजी. ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द बेसिक ग्रिड ऑफ द सब्जेक्ट. आपकी किताब, अच्छा, आई कैप का जो स्टडी टेक्स्ट है बड़ा कॉम्प्रीहेंसिव है. यू डोंट नीड एनी एडिशनल स्टडी टेक्स्ट. हाँ ठीक है, पास पेपर्स के क्वेश्चन को आप रिव्यू कर सकते हैं, किट को आप रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई एडिशनल स्टडी टेक्स्ट नहीं चाहिए आई कैप के टेक्स्ट के साथ. ये बड़ा कॉम्प्रीहेंसिव है, और पूरा पेपर पिछली 3 अटेम्प्ट्स के अंदर इसी स्टडी टेक्स्ट को फॉलो कर रहा है. तो पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट के जहन में ये होता है कि कहाँ से पढ़ना है, तो आई कैप ने आपको एक डिफाइंड रोड मैप दे दिया है. आई कैप ने आपको एक पूरा सब्जेक्ट बंद करके दे दिया है किताब के अंदर, एंड दिस इज द प्राइम टेक्स्ट यू हैव टू फॉलो. हाँ, एडिशनल रीडिंग्स आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट. एडिशनल रीडिंग्स के लिए मैं भी कुछ आपको मटीरियल देता रहूंगा, आई ऑल्सो भी गिविंग यू सम रीडिंग मटीरियल, बट स्टिल आपका प्राइम फोकस आई कैप के टेक्स्ट पे रहेगा. बिजनेस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटजी के लिए सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड द ग्रिड, द सिलेबस ग्रिड. किसी भी सब्जेक्ट की ग्रिड अगर आपको समझ आ जाए, तो इट बिकम्स वेरी ईजी फॉर द स्टूडेंट टू ग्रास्प द सब्जेक्ट एंड अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंट की एरियाज ऑफ द सब्जेक्ट. तो ग्रिड को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है. इस किताब को 20 चैप्टर्स में और 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. दिस इज योर ग्रिड, यू सी. तो दिस सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इन 5 मेन पार्ट्स एंड 20 चैप्टर्स. ठीक है, और हर पार्ट अपने अपने एंड पे एक वेटेज कंट्रीब्यूट करता है एग्जामिनेशन में. अच्छा, सो फार पिछली 3 अटेम्प्ट्स में ये देखा गया है कि एग्जामिनर ग्रिड को बहुत प्रिसाइजली फॉलो कर रहा है. जो वेटेज हर पार्ट में एलोकेटेड है, उसी ब्रैकेट में एग्जाम क्वेश्चन आ रहा है. यू सी, सो दैट इज वेरी पॉजिटिव फॉर द स्टूडेंट. कि स्टूडेंट ऑलरेडी नोज कि एचआर में से कितने परसेंट पेपर आएगा, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में से कितने परसेंट पेपर आएगा, आईटी में से कितने परसेंट पेपर आएगा, मार्केटिंग सप्लाई चेन में से कितने परसेंट पेपर आएगा.
So you have a clear-cut indication that what type of questions are going to be asked from each of the part. Har part mein se kis kis kisam ka sawal aapse kiya jayega paper mein. You see, so 20 chapters hum divide karte hain in 5 areas. Mein pehla part hai formulating and implementation of strategy. Strategy se hum start karenge, inshallah aaj ki debate bhi hum strategy se hi shuru karenge. Strategy jo hai, that is the core of any business. Kisi bhi business ki jo success hai, that depends on their strategy. Strategy ek process ka naam hai, ek course of action ka naam hai, ek tarika kar ka naam hai, ek laih amal ka naam hai. Strategy is a process, a course of action, a way in which an organization is able to achieve their goals and long-term objectives. So, sabse pehle hum strategic management process ko review karenge, how strategies are formulated and they are implemented. First 7 chapters is part ko develop karte hain, plus iske andar 14 se 17. So, total 11 chapters jo hain, they consolidate in this part. First 7 chapters are purely based on strategic management process. Abhi hum aaj discuss karenge. Three pillar pyramid of strategic management process: strategy position, strategy choice, and strategy implementation. इसे हम three pillar pyramid कहते हैं. Strategic management process कहलाते हैं. इसे हम आज बहुत detail में पढ़ेंगे. That is strategic management process. A combination of strategic position, knowing your current position, what choices do you have, what options a firm might have, and how they are going to implement the strategy. The strategy. So, पहले 7 chapters इस pyramid को discuss करते हैं. पहले 5 chapters 1 to 5 position को define करते हैं. 6 chapters choices के ऊपर है. 7 chapters implementation के ऊपर. ठीक. Then we have some other supplementary core areas जो strategy को support करते हैं. उसमें risk management है. उसके अंदर performance measurement है. और उसके अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आजकल बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है. प्रोजेक्ट, तो ये 14 से 17 चैप्टर्स जो हैं, ये इन तीन एरिया को डिस्कस करते हैं. रिस्क को, परफॉर्मेंस मेजरमेंट को, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को. सो पहले 11 टोटल 11 चैप्टर्स, फर्स्ट 7 चैप्टर एंड देन 14 टू 17 चैप्टर्स ऑफ दिस टेक्स्ट बुक कंस्ट्रक्ट योर पार्ट ए ऑफ द ग्रेड. ये पार्ट ए है आपका, दिस इज पार्ट ए. ठीक है. And it contributes up to 35 to 40% marks in your paper. Paper में इसमें से 35 to 40% weightage आती है, ठीक है? और ये mandatory है, लाजिम है. IT Mac Module E में एक subject हुआ करता था. Transition phase चल रही है उसकी, बस मसले एक आधी और attempt रह गई है. IT Mac को eliminate कर दिया गया है और IT Mac की जगह IT को business का हिस्सा बना दिया गया. इस वो लोग जिन्होंने cash पढ़ी है अपने कैफ लेवल को स्टडी किया है, उन्होंने बीएमबीएस पढ़ी है कैफ में, तो उन्होंने देखा होगा कि बीएमबीएस के अंदर भी आईटी का एक चैप्टर मौजूद है. आईटी को आजकल वैसे भी बिजनेस का इंटेग्रल पार्ट समझा जा रहा है. आईटी इज थॉट टू बी एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. आईटी के बगैर वो कहते हैं डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाती है. और आप देखें, एक छोटे से ग्रोसरी शॉप से लेकर हाइपर स्टार तक की एग्जाम्पल लें तो आपको पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम हर जगह पर मिलता है ना. Every organization are now having computers, they are now having softwares, databases. IT हर जगह पे मौजूद है, internet usage for example. तो IT को अब एक important part बना दिया है उन्होंने business management का, ठीक. And for that purpose हम भी IT को as a chapter पढ़ेंगे, as a पूरा part पढ़ेंगे. 10th chapter, chapter number 10 आपकी book का. एक chapter 15 से 20 number contribute करता है आपके exam में. Only one chapter and it contributes up to 15 to 20% marks in your examination. ठीक है. Human resource management, very important pillar of business. HR. HR के बगैर दुनिया का कोई business काम नहीं करता. HR के बगैर दुनिया का कोई business कामयाब नहीं होता. Without human resource management, you can't work. HR के ऊपर हम 3 chapters पढ़ेंगे. HR के बहुत सारे functions होते हैं. Training and development, recruitment, selection, compensation management, performance appraisal, labor relations. ह्यूमन रिसोर्स के बहुत सारे कोर एरियाज हैं. हम एचआर के 3 एरियाज को एड्रेस करेंगे. 11 चैप्टर बात करेगा रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की, 12 चैप्टर बात करेगा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की, और 13 चैप्टर में हम बात करेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल की. अप्रेज करना परफॉर्मेंस को, टू इवेलुएट परफॉर्मेंस ऑफ द पीपल. तो 3 चैप्टर्स हैं और 15 to 20% मार्क्स कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं आपके पेपर में.
देन वी हैव द फोर्थ पार्ट मार्केटिंग एंड सप्लाई चेन. अच्छा मॉड्यूल ई के बिजनेस मैनेजमेंट में और सी फैप के बिजनेस मैनेजमेंट में भी डिफरेंस है. लाइक द कोर्स कंटेंट हैज बीन स्लाइटली इंक्रीज्ड मॉड्यूल ई के कंपैरिजन में सी फैप का जो बिजनेस मैनेजमेंट है इसके कंटेंट को स्लाइटली बढ़ा दिया गया है. इसका जो कंटेंट है वो 30% तक इंक्रीज कर दिया है आई कैप ने और टॉपिक्स की जो डेप्थ है वो भी बढ़ा दी है. टॉपिक्स आर नाउ मोर इन डेप्थ, टॉपिक्स आर नाउ मोर इनसाइटफुल. टॉपिक्स में अब डेप्थ भी ज़्यादा है, टॉपिक्स में इनसाइट भी ज़्यादा है. ठीक है तो मार्केटिंग तो मॉड्यूल ई में भी था, काफ़ी थॉरो पार्ट है. सप्लाई चेन इज अ न्यूली एडेड पोर्शन. सप्लाई चेन पहले नहीं था, आईटी पहले नहीं था, आईटी का जो पोर्शन है ये पहले नहीं था, तो ये 30% वेटेज बढ़ा दिए कोर्स में. मार्केटिंग और सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर मेनली दो चैप्टर्स हैं, 8 और 9, और कुछ मार्केटिंग का जो पोर्शन है वो बाकी चैप्टर में भी स्कैटर्ड है. क्योंकि जब आप पोजीशन एनालिसिस की बात करते हैं तो आपको मार्केट को समझना होता है. यू वांट टू अंडरस्टैंड योर मार्केट, योर कस्टमर्स, तो कुछ मार्केटिंग का पोर्शन यहाँ कवर होगा. जब आप रिस्क की बात करते हैं तो वहाँ पे भी आपने मार्केट ओरिएंटेशन करनी होती है, कुछ मार्केटिंग का पोर्शन वहाँ पे कवर होगा. तो मार्केटिंग का पोर्शन थोड़ा सा स्कैटर्ड है. अदरवाइज सप्लाई चेन मैनेजमेंट 9 चैप्टर में है. देन वी हैव कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स, 18 से लेकर 20th चैप्टर. 18 चैप्टर एंड 19 चैप्टर ये एथिक्स के ऊपर है और 20th चैप्टर CSR के ऊपर. आज वैसे ही बहुत काम हो रहा है CSR के ऊपर. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि एक इदारे की अपने मुआशरे की तरफ क्या जिम्मेदारी बनती है और वो इदारा मुआशरे की तरफ अपनी जिम्मेदारी को कैसे पूरा करता है. व्हाट इज द की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू इट्स सोसाइटी, इट डिटर्मिन्स इट्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टू व्हाट एक्सटेंट द ऑर्गेनाइजेशन इज केपेबल ऑफ सेटिस्फाइंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो CSR पे बड़ा काम हो रहा है आजकल और इसीलिए इसको एक इम्पॉर्टेंट पार्ट भी बना दिया गया है. पहले भी था, खैर मॉड्यूल ई के कंटेंट में भी CSR होता था. तो दिस इज हाउ योर सब्जेक्ट इज डिवाइडेड एंड दिस इज हाउ योर ग्रिड इज कम्प्लीटेड. यानी तो 20 चैप्टर्स को हम इस तरह से डिवाइड करते हैं, फर्स्ट 7 चैप्टर्स एंड 14 to 17 11 चैप्टर्स. लाइक मोर देन 50% ऑफ द टेक्स्ट इज कवर्ड इन दिस पार्ट. 55% टेक्स्ट आपका 35-40% कंट्रीब्यूट करता है पेपर में. ठीक है, और अगर आप ये गौर फरमाएं, एक चैप्टर ये है 10 चैप्टर और ये 3 चैप्टर, ये 4 चैप्टर्स हैं. 4 चैप्टर मीन दिस इज 20% ऑफ द टेक्स्ट, ये टेक्स्ट का 20% और ये 20% 30-40 marks कंट्रीब्यूट कर रहा है कलेक्टिवली. सो जस्ट लुक एट द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज टू पार्ट्स, HR एंड IT, एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू ड्राइव योर प्रिपरेशन एज वेल. ठीक है, कि किन टॉपिक्स पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, किन टॉपिक्स के ऊपर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन मेमोरी, किन टॉपिक्स में मेमोरी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन ऑब्वियसली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. आपका जो सब्जेक्ट है इसको एग्जामिनर 3 डायमेंशंस में टेस्ट करता है. पेपर DMS का जो पेपर है इसके अंदर 3 इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है. एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट के जहन में होता है बिजनेस के सब्जेक्ट्स के अंदर, खासतौर पर कि वेदर इट इज क्रैमिंग अलोन, क्या सिर्फ रटा मारना है, क्या सिर्फ जबानी याद करना है, क्या ये तकरीबन 700 पेजेस की जो बुक है ये जबानी याद करनी है. तो नहीं, इसका जवाब है नो. पूरी किताब नहीं रटनी है आपने, पूरी किताब को आपने क्रैम नहीं करना, आपने एक बड़ी स्ट्रेटेजिक अप्रोच के साथ चलना है. एग्जामिनर का इस सब्जेक्ट के हवाले से 3 एरियाज पे वो फोकस होता है. फर्स्ट इज नॉलेज. एग्जामिनर पेपर में आपका नॉलेज टेस्ट करता है, नॉलेज से मुराद है आपकी मेमोरी टेस्ट करता है, बेसिक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. सेकेंडली एग्जामिनर आपके कॉन्सेप्ट को टेस्ट करता है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी टेस्ट करता है, और थर्ड एग्जामिनर आपकी एप्लीकेशन टेस्ट करता है. और आपने भी अपने आप को इन्हीं 3 एरियाज में प्रिपेयर करना है. यू आर ऑल्सो गोइंग टू प्रिपेयर योर सेल्फ इन दीज 3 एरियाज. यू मस्ट बी एबल. अच्छा, ड्यूरिंग द डिस्कशन कोई भी क्वेश्चन है आपके पास तो चैट बॉक्स अवेलेबल है, और इफ़ यू फील के क्वेश्चन लेंथी है चैट बॉक्स में नहीं टाइप कर पाएंगे तो यू कैन जस्ट राइट के आपको मैं अनम्यूट कर दूं, क्योंकि म्यूट करने का पर्पज़ ये है कि डिस्टॉर्शन ना हो, वरना अगर एक माइक भी अनम्यूट है तो बाकी डिस्टॉर्ट होते हैं. ठीक है, सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू हैव 2 ऑप्शन अवेलेबल. इफ अ क्वेश्चन इज अ शॉर्ट वन, क्रिस्प क्वेश्चन है, क्विक क्वेश्चन है, तो आप चैट बॉक्स यूज़ करें. इफ़ यू बिलीव कि नहीं क्वेश्चन को समझाना पड़ेगा आपको मुझे, तो जस्ट आस्क मी टू अनम्यूट यू. I will do that and then you will put your question ताकि बाकी सारे भी आपको सुन सकें और वो भी उस question से मुस्तफीद हो सके. ठीक है,
डोंट वेट टिल द लेक्चर टू बी एंडेड एंड देन कि मैं क्वेश्चन करूंगा. जैसे सवाल आए सवाल करें प्लीज, ठीक है? क्वेश्चन करेंगे तो क्लैरिटी आएगी. ओके, सो दिस इज हाउ द एग्जामिनर इज मेकिंग दिस सब्जेक्ट लर्नफुल. और हमने भी इन तीन एरियाज पे काम करना है. अलोन मेमोरी इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, अलोन कॉन्सेप्ट्स आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू. ना सिर्फ रटा मार के आप कामयाब हो सकते हैं और ना सिर्फ इस सब्जेक्ट के अंदर आप कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके कामयाब हो सकते हैं. इट्स अ हाइब्रिड लर्निंग. ये एक हाइब्रिड लर्निंग मैकेनिज्म है. दैट्स अ हाइब्रिड लर्निंग मैकेनिज्म. और इस हाइब्रिड लर्निंग मैकेनिज्म के अंदर आपने भी मेमोरी को भी सामने रखना है और कॉन्सेप्ट को भी सामने रखना है, ठीक है? सो दिस इज द ग्रिड एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू टेक अलॉन्ग दिस सब्जेक्ट. और हमारा जो सब्जेक्ट है स्पेशली दिस बुक इज वेरी प्रिसाइज. और ये बुक जो है इसका स्ट्रक्चर भी बड़ा क्लियर है. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस पे बात करेंगे. दिस पिरामिड इज नोन एज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेटेजी क्या होती है, कैसे बनाई जाती है. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस टॉक्स अबाउट स्ट्रेटेजिक पोजिशन, स्ट्रेटेजिक चॉइस एंड स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन. पहले 7 चैप्टर्स में हम ये वाला पिरामिड कंप्लीट करेंगे. इन द फर्स्ट 7 चैप्टर्स वी विल बी कंप्लीटिंग दिस पिरामिड. यू सी फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट 5 चैप्टर्स विल टॉक अबाउट पोजिशन, 6 चैप्टर्स विल टॉक अबाउट चॉइस एंड 7 चैप्टर विल टॉक अबाउट इम्प्लीमेंटेशन. पार्ट ए जो है आपकी ग्रिड का, उसका पहला पोर्शन है ये 7 चैप्टर. दूसरा पोर्शन है उसका 14 to 17 चैप्टर. इसमें हम रिस्क मैनेजमेंट पढ़ेंगे, परफॉर्मेंस मेजरमेंट पढ़ेंगे और हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को, ठीक है? हमारा जो कोर्स को लेके चलने का तरीका है कार है वो ये होता है, जो जो फॉर्मेट मैं फॉलो करता हूँ उसमें पहले हम फर्स्ट 7 चैप्टर्स को रिव्यू करेंगे ताकि हमें ये पूरा प्रोसेस समझ आ जाए, क्योंकि ये बुनियाद है बिजनेस की. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस इज द फाउंडेशन ऑफ द बिजनेस, ठीक है? वंस वी आर डन विथ फर्स्ट 7 चैप्टर्स फिर हम जंप करेंगे एचआर के पोर्शन पे. हम एचआर का पोर्शन पहले कंप्लीट करेंगे. जब हम एचआर कर चुके होंगे फिर हम आईटी पे वापस आएंगे, आईटी को डिस्कस करेंगे. वंस वी आर डन विथ आईटी देन वी विल जंप ऑन परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है? दैट इज 14 and 15 चैप्टर. जब हम ये भी कर लेंगे फिर हम जाएंगे रिस्क के ऊपर, 16 and 17 चैप्टर. और रिस्क करने के बाद एंड पे हम CSR और एथिक्स को करेंगे, दैट इज 18th to 20th चैप्टर. सो हमारे टोटल 20 चैप्टर्स इस सीक्वेंस में चलेंगे. पहले 7 चैप्टर्स, हाँ, इसमें CSR और एथिक्स से पहले मार्केटिंग और सप्लाई चेन 8th और 9th से पहले करेंगे, ठीक है? दिस इज मार्केटिंग एंड सप्लाई चेन, ये मिस हो गया, मार्केटिंग प्लस सप्लाई चेन. तो पहले हम 7 चैप्टर्स करेंगे, फिर हम एचआर करेंगे पूरा फंक्शन, फिर हम आईटी को डिस्कस करेंगे, फिर हम परफॉर्मेंस मेजरमेंट और प्रोडक्ट पे जाएंगे, देन वी आर टॉक अबाउट विल टॉक अबाउट रिस्क, देन वी टॉक अबाउट सप्लाई चेन एंड मार्केटिंग, एंड देन एट लास्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट CSR एंड एथिक्स, ठीक है? मैं कोर्स कवरेज प्लान भी आपसे शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह बाय टुमारो. आई विल बी शेयरिंग अ कोर्स कवरेज प्लान ताकि आप मेरे साथ सेम पेज पे हों और आपको पता हो कि किस किस लेक्चर में, वो लेक्चर वाइज कोर्स कवरेज प्लान मैंने बनाया है, तो यू विल बी नोइंग प्रायर टू द लेक्चर कि आज के टॉपिक में, आज की क्लास में क्या टॉपिक्स डिस्कस होने हैं, ठीक है जी? सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. ओके, सो लेट्स एंटर द वर्ल्ड ऑफ स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजी इज समथिंग दैट, और ये यू विल रियलाइज कि ये सब्जेक्ट जो है ये सिर्फ CFAP का एक पेपर नहीं है, बल्कि ये सब्जेक्ट जो है ये वो चीज़ें हैं जो आप अपनी फर्म में पिछले 1.5 साल में कर रहे हैं. सिर्फ आपको टर्म्स का नहीं पता, सिर्फ आपको क्लैरिटी नहीं है इतनी चीज़ों की, लेकिन काम वही है जो भी आप और हम जब साथ साथ चीज़ों को डिस्कस करेंगे देन यू विल रियलाइज कि ये सब कुछ तो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, मैं इस प्रोसेस से गुजर रहा हूँ, ठीक है ना? बट द मेन थिंग इज दैट यू विल नाउ बिकमिंग एबल टू यू नो गिव दीज कॉन्सेप्ट सम नेम, सम क्लैरिटी, सम स्ट्रक्चर, सम लॉजिक विल बी डेवलप्ड, ठीक है? तो फर्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजी क्या होती है,
स्टेकहोल्डर्स कौन होते हैं और एक इदारे का मिशन क्या होता है। फर्स्ट चैप्टर इज वेरी बेसिक चैप्टर और ये बुनियादी चैप्टर जो है ये आपको स्ट्रेटजी के लेवल्स बताएगा, ये बताएगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो अभी हमने एक पिलर पिरामिड्स के पिलर्स बनाए हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे कि इदारे का पर्पस क्या होता है, इदारा दुनिया में क्यों काम करता है, व्हाट इज द मेन रीजन, मिशन, विजन, गोल, ऑब्जेक्टिव की हायरार्की क्या होती है। फिर किसी भी बिजनेस के साथ स्टेक होल्डर्स का कनेक्शन क्या होता है, ये वाहिद टॉपिक है इस चैप्टर का, ये वाला और मिशन वाला, ये दो टॉपिक्स पेपर में अब तक आ चुके हैं। लास्ट टाइम इंटेंडेड और इमर्जेंट स्ट्रेटजी में सवाल आया था दिसंबर 17 में इमर्जेंट और इंटेंडेड स्ट्रेटजी का क्वेश्चन आया था। ठीक है, फ्यूचर बेसिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ी इवॉल्विंग डोमेन है आजकल। सो फर्स्ट चैप्टर इज अ वेरी इंट्रोडक्टरी चैप्टर, दिस चैप्टर विल मेक यू ब्रश थ्रू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ द वर्ड स्ट्रैटेजी। लेट्स एंटर इन टू द वर्ल्ड ऑफ स्ट्रैटेजी, लेट्स डिफाइन दिस वर्ड स्ट्रैटेजी। अच्छा, हर चैप्टर के शुरू में कुछ लर्निंग आउटकम्स दिए हैं, आई स्ट्रॉन्गली एंडोर्स कि आप ये लर्निंग आउटकम जरूर पढ़ा करें और ये लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो इनको साथ साथ आपकी ग्रिड के साथ भी रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, और साथ साथ आपको ये भी बता रहे हैं कि ये लर्निंग आउटकम जो है वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के किसके साथ डील करें। फॉर एग्जाम्पल दिस इज फॉर्मुलेशन, दिस इज चॉइस एनालिसिस, दिस इज चॉइस। ठीक है, तो साथ साथ आपको ये भी पता लगता जा रहा है कि ग्रिड के मुताबिक ये टॉपिक्स कहाँ कहाँ पे फॉल कर रहे हैं। सो आई स्ट्रॉन्गली एंडोर्स के चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ग्रिड को जरूर देखा करें, सो दैट यू कैन गेट एन अंडरस्टैंडिंग दैट वेयर दिस चैप्टर इज गोइंग टू लीड यू, व्हाट टाइप ऑफ टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर। गॉट इट? क्लियर सो फार? ओके, अभी तक कोई एम्बिग्विटी, कोई क्वेश्चन, कोई क्लैरिटी चाहिए सब्जेक्ट के हवाले से, कंटेंट के हवाले से, किसी भी चीज़ में कोई एम्बिग्विटी हो? ऑनलाइन की क्लास पढ़ने का एक फ़ायदा ये होता है स्टूडेंट्स को कि यू विल बी हैविंग और यू विल बी मेड अवेलेबल ऑफ द रिकॉर्डिंग एज वेल। ठीक है, तो रेगुलर क्लास में आना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली, कि जो रेगुलर आप आके, बल्कि आपके जो जो दोस्त अहबाब एनरोल्ड हैं फाइनेंस की क्लासेस में, आप उनसे ज़रूर ये डिस्कस भी करें, क्योंकि मैं देखा था व्हाट्सएप के ऊपर क्लास की जो स्ट्रेंथ है वो नियर टू 50 है, अराउंड 47-48 स्टूडेंट्स आर देयर। ठीक है, लेकिन स्टिल जो अवेलेबिलिटी है अभी क्लास के अंदर वो उसका हार्डली 7% भी नहीं है। ठीक है, तो दैट इज समथिंग विच हैज टू बी इम्प्रूव्ड। ठीक है, सो आई स्ट्रांगली एंडोर्स के रेगुलर क्लासेस, लाइव प्रेजेंस क्लासेस में आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। रिकॉर्डिंग तो आप सुन ही लेते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग से वो इनसाइट नहीं आप गेन कर सकते जो आप रियल टाइम लर्निंग में कर सकते हैं। ठीक, ओके, सो द वर्ड स्ट्रैटेजी, डिफाइनिंग स्ट्रैटेजी एंड द लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी इज अ बज वर्ड, ये एक बज वर्ड है। बज वर्ड कहते हैं ऐसे लफ्ज को जो उर्फ आम होता है। उर्फ आम से क्या मुराद है? एवरीबडी यूजेज दैट वर्ड, हर कोई उस लफ्ज को इस्तेमाल करता है, लेकिन उस लफ्ज का मतलब किसी किसी को पता होता है। तो ये लफ्ज़ बड़ा कॉमन है, हम इस लफ्ज़ को बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं अपनी रूटीन लाइफ में। स्ट्रैटेजी को, या तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या है, पेपर पास करने की स्ट्रैटेजी बताओ, क्रिकेट मैच देख रहे हैं तो ये कैप्टन ने अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं खेली, देखिए इट्स अ वेरी कॉमनली यूज्ड वर्ड। स्ट्रैटेजी को हम तीन ऑथर्स की डेफिनेशन के मुताबिक देखेंगे। बिजनेस एनालिसिस जो है दैट इज ऑल अबाउट नोइंग अ स्ट्रेटेजिक पोजिशन, मेकिंग चॉइसिस एंड पुटिंग चोजन इनटू एक्शन, chosen strategy into action. So that is the strategic management pyramid. Position, choice and implementation. इसके तीनों के collection को कहते हैं business analysis, आपने start कर दिया। और business analysis के अंदर अगर आप गौर फरमाएं तो एक word common है, strategic position, strategic choices, strategy into action. तो यहाँ से फिर हम एक लफ्ज को निकालते हैं और वो लफ्ज है strategy. Strategy का जो लफ्ज है ये debate में आया आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू के अंदर आर्मी की जो टेक्निक्स थी, द वे डिफरेंट आर्मीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज फॉट, दे एजुकेटेड द बिजनेस वर्ल्ड अलॉट, उन्होंने बड़ा सिखाया बिजनेस वर्ल्ड को। बहुत सारी आपकी स्टैट्स, आपकी इकोनॉमिक्स जो है ये आर्मी के कॉन्सेप्ट से निकली है। अकल भी कहते हैं, अकल इज समथिंग बियॉन्ड दैट। अकल हो तो स्ट्रेटजी बनती है बेसिकली। ठीक है, अकल जो है वो रैशनल है, उसे रैशनल अप्रोच कहते हैं। रैशनैलिटी हो तो आप अच्छी स्ट्रेटजी बनाते हैं बेसिकली। ठीक है, तो अकल इज कंपेयर्ड विद रैशनैलिटी, रैशनल होना।
एक होता है इरेशनल, इरेशनल होना कि आप बेअकल हो कि आप एक काम बस कर रहे हैं विदाउट एनी इन डेप्थ थॉट। स्ट्रेटजी इज गुड व्हेन यू आर रैशनल इन योर प्रोसेस, ठीक है। तो स्ट्रेटजी का जो लफ्ज है ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद काफी कॉमन हुआ था, और आपकी किताब में 3 डेफिनेशन है स्ट्रेटजी की, 1 बाय शैंडलर, 1 बाय पीटर ड्रकर एंड 3rd बाय JSW, द मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव वन। आसान तरीन अल्फाज में स्ट्रेटजी बेसिक लॉन्ग टर्म गोल्स को बनाने का और उनको अचीव करने के लिए कोर्स ऑफ एक्शन को अपनाने का नाम है, और उसमें फिर आप रिसोर्सेज भी एलोकेट करते हैं, व्हाटएवर रिसोर्सेज रिसोर्सेज व्हिच आर रिक्वायर्ड टू रीच दैट गोल। सो स्ट्रेटजी इज अ कोर्स ऑफ एक्शन, ये कोर्स ऑफ एक्शन है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को एस्टैब्लिश करते हैं, यू एस्टैब्लिश योर लॉन्ग टर्म गोल्स एंड देन यू अडॉप्ट अ कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दोज लॉन्ग टर्म गोल्स बाय एलोकेटिंग वेरियस रिसोर्सेज। फिर आप मुख्तलिफ रिसोर्सेज एलोकेट करके उन लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करते हैं। सो दैट इज वॉट वी कॉल एज स्ट्रेटजी, इसको हम कहते हैं स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी का जो लफ्ज है दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड। स्ट्रेटजी जो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर करते हैं, हमारा बिजनेस क्या है, हाउ कैन वी क्रिएट कंपेटिटिव एडवांटेज फॉर एग्जांपल। पीटर ड्रकर डिफाइन करता है स्ट्रेटजी को। अब देखिए पीटर ड्रकर जो है वो शैंडलर की डेफिनेशन में कुछ ऐड करेगा, वो क्या ऐड कर रहा है, वो इसमें एनवायरमेंट को ऐड कर रहा है। कहते हैं एक इदारा जो है वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज को एस्टैब्लिश करता है जिससे वो अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव कर सकता है, अपने रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज कर सकता है, बट एवरीथिंग दे डू दे हैव टू कीप इनटू कंसिडरेशन द एनवायरमेंटल चेंज। आज से 5 साल पहले अगर एक इदारे ने एक स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट की और कामयाब हुआ, आज अगर वो इदारा वही स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करेगा तो शायद कामयाब ना हो सके, क्योंकि 5 सालों में हालात बदल चुके होंगे, एनवायरमेंट चेंज हो चुकी होगी, कस्टमर्स के इंटरेस्ट चेंज हो चुके होंगे, कस्टमर की प्रेफरेंसेस चेंज हो चुकी होंगी, ठीक है ना। सो दिस डेफिनेशन इज अ बिट मोर कॉम्प्लेक्स। वो कहते हैं कहते स्ट्रेटजी एक्टिविटीज हैं, फिर उन एक्टिविटीज को आप ऑर्गेनाइज करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म होती है, वी हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट इट। इनिशियली ऑथर्स ने कहा था कि स्ट्रेटजी सिर्फ लॉन्ग टर्म होती है, लेकिन फिर मॉडर्न ऑथर्स ने कहा नहीं, लॉन्ग टर्म नहीं होती, इसके लेवल्स होते हैं, लॉन्ग टर्म भी होती है, मीडियम टर्म भी होती है, शॉर्ट टर्म भी होती है। लेकिन जो शुरू वाले ऑथर थे लाइक इन द मिड 20th सेंचुरी, पीटर ड्रकर फॉर एग्जाम्पल, शैंडलर, ठीक है, तो पीटर ड्रकर ने कहा, दिस इज इंपॉर्टेंट, पीटर ड्रकर ने कहा कि एनवायरमेंट जो है एक बिजनेस की वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है। सो स्ट्रेटजीज कैन नॉट बी रिजिड और अनचेंजेबल, स्ट्रेटजी को भी चेंज होना चाहिए। एक टाइपराइटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आज से 30 ईयर्स बैक जब टाइपराइटर्स मैन्युफैक्चर किया करती थी, आज अगर वो कंपनी कीबोर्ड वायरलेस कीबोर्ड्स नहीं बनाती तो मार्केट में नहीं होगी, क्योंकि 30 ईयर्स पहले, 30 साल पहले टाइपराइटर्स माइट बी अ वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर द इंडस्ट्री, बट नाउअडेज बिकॉज कंप्यूटर्स हैव रिप्लेस्ड टाइपराइटर्स, तो आजकल कीबोर्ड अच्छे होने चाहिए। गेटिंग द पॉइंट? सो फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन योर स्ट्रेटेजिक प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट। योर स्ट्रेटेजिक प्लान, अभी हम आगे जाकर प्लान को डिफाइन करते हैं। प्लान एक डॉक्यूमेंट होता है, प्लान इज एन एक्सप्लिसिट डॉक्यूमेंट विच टेल्स यू व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेटजी यू हैव इन योर माइंड। तो स्ट्रेटेजिक प्लान जो होता है ये कुछ क्वेश्चंस के आंसर देता है। लाइक जब भी आप कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं तो उसको आप स्ट्रेटेजिक प्लान में डालते हैं। स्ट्रेटेजिक प्लान इज अ टूल टू कम्युनिकेट योर स्ट्रेटजी विद योर स्टेक होल्डर। स्ट्रेटेजिक प्लान जो है ये आपकी स्ट्रेटजी को आपके स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेट करवाता है, और ये इन क्वेश्चंस के आंसर देता है, वेयर आर वी नाउ, अभी हमारे क्या रिसोर्सेज हैं, क्या कॉम्पिटेंस है, क्या हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, वेयर वी वॉन्ट टू बी इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, हाउ डू वी गेट देयर, हाउ लार्ज द कंपनी विल बी, वट विल इट बी डूइंग, वेयर विट विल बी ऑपरेटिंग, ये वो सारे के सारे फ्यूचरिस्टिक आंसर हैं जो आप एक स्ट्रेटेजिक प्लान में देते हैं। सॉरी बिकॉज क्लास टाइम इज 8 to 9:30। ओके, सो द मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेटजी इज गिवन बाय
JSW, जॉनसन स्कोल्स एंड विटिंगटन, ये तीन लोग हैं बेसिकली, दीज आर थ्री पीपल। JSW ने एक किताब लिखी एक्सप्लोरिंग कॉरपोरेट स्ट्रैटेजी, और इस किताब में, ये बड़ी मजे की बुक है, ऑनलाइन अवेलेबल है, जस्ट फॉर इंस्टेंस इफ यू वांट इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑन द वर्ड स्ट्रैटेजी इटसेल्फ, तो आप ये किताब भी पढ़ सकते हैं। इस किताब में आप समझ लें कि इन्होंने सिर्फ स्ट्रेटजी को डिफाइन करने के लिए 800 सफ़े लिखे। दे डिफाइन दिस वर्ड स्ट्रेटजी इन 800 पेजेस, इतना इन डेप्थ वर्ड है ये स्ट्रेटजी। अच्छा, शैंडलर ने कहा कि स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म गोल्स को डिफाइन करने का और अचीव करने के प्रोसेस का नाम है, विद ऑल द रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज्ड। पीटर ड्रकर ने कहा कि स्ट्रेटजी चेंज होती है विद द एनवायरमेंट। जे एस डब्ल्यू ने सबसे कॉम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन दी। जे एस डब्ल्यू ने कहा कि स्ट्रेटजी कोर्स ऑफ एक्शन भी है, लॉन्ग टर्म भी है, इदारे के गोल्स को आप अचीव करते हैं इसको इम्प्लीमेंट करके, चेंजिंग एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग भी आपको कन्फिगर भी करना पड़ता है अपने रिसोर्सेज को, एंड स्ट्रेटजी इज समथिंग, इसमें इनकी डेफिनेशन में दो दो एडिशनल बातें। नंबर वन, स्ट्रेटजी इज समथिंग दैट बिकम्स अ सोर्स ऑफ योर कंपेटिटिव एडवांटेज। नाउ व्हाट इज दिस वर्ड कंपेटिटिव एडवांटेज, हम वैसे तो पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे इस एक लफ्ज के ऊपर, फिफ्थ चैप्टर हमारी किताब का इस एक लफ्ज के ऊपर है जिसे कहते हैं कंपेटिटिव एडवांटेज। ठीक, कंपेटिटिव एडवांटेज क्या होता है? सुपीरियॉरिटी अ फर्म हैज ओवर अदर, एक इदारे के पास क्या सुपीरियॉरिटी है जो किसी और के पास नहीं है, इसे कहते हैं उसका कंपेटिटिव एडवांटेज, इज नोन एज देयर कंपेटिटिव एडवांटेज। ठीक है, दैट व्हाट सुपीरियॉरिटी अ फर्म हैज Which others don't have, it is known as competitive advantage. और दूसरा इन्होंने कहा कि स्ट्रेटजी का जो प्राइम मकसद होता है, दैट इज टू फुलफिल स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशन। स्ट्रेटजी मीन्स टू सेटिस्फाई स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशन। स्ट्रेटजी का मकसद सिर्फ ओनर्स की प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करना नहीं होता, बल्कि जब एक बिजनेस अपनी स्ट्रेटजी बनाता है तो उसका प्राइम पर्पज क्या होता है, ब्रॉडेस्ट लेवल पे स्टेक होल्डर्स की नीड्स को समझें और उसको सेटिस्फाई करें। तो शैंडलर जो है, इसने दो नए एस्पेक्ट इंट्रोड्यूस किए। पहला एस्पेक्ट इसने कहा कि एन एंटरप्राइज मस्ट बी एबल टू यूज देयर रिसोर्सेज एंड स्किल्स टू क्रिएट अ कंपेटिटिव एडवांटेज, और दूसरा एस्पेक्ट इन्होंने कहा कि स्ट्रेटजी इज नॉट समथिंग ओनली कंसर्न्ड विद शेयर होल्डर,